सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। कड़वा है लेकिन सच है, कड़वा लगेगा लेकिन सच है भाई। तो क्या करना है, कैसा डिजायर अपने अंदर हमको जाकर के प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है, एक कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में, और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके आप काम आना चाहते हो, या भगवान, भगवान हो। भगवान की प्रॉब्लम पता क्या है इस युग में? उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। कहां है? आपको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थ्रू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके, फिर चाहे ये दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। तो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से ये डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए, कह रहे मर जाऊंगा कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा तपा दूंगा लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। पालोगे अपने आप को पूरी तरह से? कैसे तपाओगे? तप क्या है? तप वो है कोई ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है, चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दर्द हो रहा है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो तप है, नहीं तो अगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर्स एक्वायर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप मेडिटेशन में बैठे हो कई सालों तक, वो तप नहीं है, वो ढोंग है, वो ढोंग है, वो तप नहीं है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीच, मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसने नहीं बताया। एंड इफ यू कैन लिव लाइक दैट, can't even imagine the kind of feeling that you experience. It can't be described in words. Usko words mein nahi bataya ja sakta. Wo feeling kya hogi? Har pal mein aap jee rahe hoge. Har pal mein. Ek din mein jitne seconds hote hain, har second mein aap zinda hoge pure tarike se.